बीएड फर्स्ट ईयर तक मुझे लगता था कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सिर्फ रेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बस यही कुछ एग्जाम्स होते हैं। Hey, welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जय श्री कृष्णा। मेरा नाम खुशनागदा है और मैं साइंस ग्रेजुएट टीचर ट्रेनी और पिछले 4 साल से प्राइवेट एजुकेटर हूँ और हाल ही में मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है, जिसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं या आपके आसपास किसी ने भी बीएसटीसी या बीएड की है तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे बीएड फर्स्ट ईयर तक लगता था कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए बस रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड यही कुछ एग्जाम्स होते हैं, जो शायद आपको भी लगता हो। लेकिन फर्स्ट ईयर के एग्जाम के समय पर एक टॉपिक समझने के लिए यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न से मालूम हुआ कि टीचर बनने के लिए तो काफी सारे एग्जाम्स है, लेकिन यहाँ अवेयरनेस कम है। इन सभी एग्जाम्स को देने के लिए आपका सबसे पहले सीटेट क्लियर होना जरूरी है। तो मुझे ये तो मालूम हो गया था उन दूसरे एग्जाम्स तक पहुंचने के लिए मुझे सीटेट क्लियर करना है, तो मैंने सबसे पहले एग्जाम पैटर्न एक पेपर पे उतारा जो आप देख सकते हो, और फिर मैंने उन्हीं सेक्शंस के सिलेबस को वन बाय वन अपने मोबाइल नोट्स में सेव किया, वो भी यहाँ है। अब मेरी सीटेट की प्रिपरेशन जर्नी को शुरू करने से पहले हो सकता है कि आपको मालूम ना हो कि सीटेट आखिर क्या है, तो इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ कि सीटेट आखिर है क्या। टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये एक सेंट्रल लेवल पर होती है और एक स्टेट लेवल पर होती है। सेंट्रल लेवल के सारे एग्जाम्स ऑनलाइन, स्टेट लेवल के सारे एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं। सेंट्रल एग्जाम वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले सीटेट क्लियर करना पड़ता है, और स्टेट टेट में जैसे अगर आप राजस्थान से हैं तो रीट, एमपी से हैं तो एमपी टेट, हरियाणा से हैं एच टेट, इस तरह स्टेट वाइज होते हैं। इसमें आप टीचर पूरे इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और दूसरी तरफ आप सिर्फ स्टेट के लिए वैलिड होते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है या क्लियर किया है तो आप देश भर में किसी भी स्कूल में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सीटेट क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसमें आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 से अबव मार्क्स लाने हैं 150 में से, और इसकी सबसे अच्छी बात कि ये लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा आपके पास। अब सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 प्राइमरी क्लासेस के लिए 1st to 5th, और पेपर 2 एलिमेंट्री क्लासेस के लिए 5th to 8th class तक। अगर आपने बीएसटीसी कर रखी है तो आप सिर्फ पेपर फर्स्ट को दे पाएंगे, और अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप दोनों पेपर को एक साथ दे सकते हैं, और मैंने दोनों के लिए फॉर्म फिल किया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सीटेट के बाद क्या करें आखिर, तो देखिए सीटेट के बाद जब भी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आए तो जिसने बीएड और बीएसटीसी कर रखी है वे दोनों ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नवोदय विद्यालय, ये 6th से 12th तक होता है, इसलिए जिसने बीएड कर रखी है वही अप्लाई कर सकते हैं। और 3rd DSSB दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, फिर AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, आर्मी और मिलिट्री कॉप्स के बच्चों के लिए होते हैं स्कूल्स, देन AEES एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज और साइंटिस्ट के चिल्ड्रन के लिए ये स्कूल्स हैं। ये सभी गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एग्जाम्स है। अब देखिए प्राइवेट में आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, एक तो आप कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके पढ़ा सकते हैं, दूसरा आप किसी भी स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सीटेट आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, एंड यस प्राइवेट ट्यूटर भी बन सकते हैं एज व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम पास्ट 4 ईयर्स। बेस्ट ऑप्शन है, आप 1-2 घंटे पढ़ाकर अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं साथ ही, सो दिस वन विल बी बेस्ट ऑप्शन। अब मैंने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की और कब, 3rd November 2022 को मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया था, उसके बाद तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके अंदर मैं सब कुछ सीटेट से रिलेटेड अपना कंटेंट वहां रखती थी। दोनों ही पेपर में एक चीज कॉमन है, CDP चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो उसको मैंने लेट्स लर्न चैनल की प्लेलिस्ट से पढ़ा था और वहां डेली क्लासेस होती थी रोज रात को 9 बजे, मैंने एक भी मिस नहीं की। फिर मैंने उनकी एक बुक ऑर्डर की सीटेट के नाम से, आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो, अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस बुक की नीड नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर वो सब कुछ वही है जो उनकी बुक में लिखा है। तो मैंने भी कोई ऐसा डायरेक्ट बुक से नहीं पढ़ा था, पहले मैंने उनकी जो वीडियोस है वो देखी, जिस तरह के चैप्टर बुक्स में बटे हुए हैं उसी तरह से
उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फर्स्ट वीडियो प्ले किया तो मैंने साथ साथ में वो चैप्टर भी पढ़ती गई, और कुछ एडिशनल होता था तो उसमें ऐड कर देती थी। तो आप चाहते हैं अगर बुक लेना तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किस प्लेलिस्ट में है वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी। अब सेक्शन सेकंड, ईवीएस। ईवीएस सिर्फ पेपर फर्स्ट में रहेगा, बाकी पेपर सेकंड के लिए नहीं है। तो पेपर फर्स्ट के लिए मैंने ईवीएस को लेट्स लर्न की मैराथन से पढ़ा था और उसके नोट्स मैंने खुद बनाए, आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लासेस फर्स्ट से फिफ्थ तक की ईवीएस बुक्स पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं सेक्शन थर्ड, लैंग्वेज वन और फिर लैंग्वेज टू। अब मैं सजेस्ट करूंगी लैंग्वेज वन आप हिंदी लें और लैंग्वेज सेकंड आप इंग्लिश लें। भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हैं फिर भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेंगे तो स्कोरिंग रहेगा, और दोनों ही 30-30 मार्क्स के हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका जो कंटेंट है वो 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पैसेजेस होंगे और ग्रामर रहेगा, और बाकी के जो 15-15 है वो पैडागोजीज। तो जो मैंने पैडागोजी पढ़ी थी वो बहुत लिमिटेड ही पढ़ी थी। टेलीग्राम से मुझे नोट्स मिले थे, फ्री नोट्स हिमांशी सिंह के ही, मैंने वो प्रिंट करवाए और उसी के थ्रू पढ़ा था। उसको बार बार रिवाइज किया तो वहीं से क्वेश्चंस आए थे वहाँ पर, तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगी। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों ही हो गया। अब आता है मैथ। इतनी टफ नहीं होती पेपर फर्स्ट की, क्योंकि वो फर्स्ट से फिफ्थ के लेवल तक का ही होता है, इजी रहेगा स्कोर करना। लेट्स लर्न पे क्या है कि सारे सब्जेक्ट की आपको पैडागोजी मिल जाएगी, कंटेंट नहीं मिलेगा सिर्फ पैडागोजी। तो वो मैंने मैथ की भी वहीं देखी और नोट्स बना दिया, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जो कंटेंट है वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास की मैथ की बुक सॉल्व कर दीजिए। लेट्स लर्न पर क्या है कि सारे आपको सब्जेक्ट के पैडागोजीज मिल जाएंगे, सारे टीचिंग एग्जाम के लिए काम आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के लिए। आगे जो आप एग्जाम देने चाहोगे उनमें भी वही चीज है, रिपीट होगी। अच्छा है कि आप वही कंप्लीट कर लें एक बार। देखा जाए तो मैथ में क्या है कि पिछले 4 साल से ट्यूशन करा रही, तो मैंने मैथ के लिए कंटेंट कुछ नहीं पढ़ा, जो मैं उनको सॉल्व कराती थी तो वहाँ से थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, तो वही मेरे लिए काम आ गया। पर मेरी एक मिस्टेक ऐसी थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो जब मेरा ऑनलाइन सीटेट ऑनलाइन एग्जाम है वो आपका पेन पेपर टेस्ट नहीं होगा, तो ऑनलाइन वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो टाइमर है वो रिवर्स में चल रहा होता है। तो मैंने सोचा कि मैथ का पेपर लास्ट में करूँगी, लास्ट के चक्कर में मेरे कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे छूट गए और जैसे टाइम अप होता है वहाँ स्क्रीन लॉक हो जाती है। पर फिर पेपर सेकंड के टाइम पे मैंने काफ़ी ध्यान रखा था स्पीड का। अब आते हैं पेपर फर्स्ट के सारे सेक्शंस हो गए तो ये 150 मार्क्स का रहेगा। और अब आते हैं पेपर सेकंड के लिए, अगर आप बीएड कर रखी है तो पेपर सेकंड दे सकते हो। अब पेपर सेकंड का फर्स्ट सीडीपी यानी चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो प्रिपरेशन मैंने पेपर फर्स्ट के लिए की थी वही यहाँ पर हो गई, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ें हैं। अब सीडीपी में क्या है कि काफ़ी सारी थ्योरीज है, तो मैंने उन्हें 1 by 1 कंप्लीट किया। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये है, सीडीपी ऐसा एक सेक्शन है जो सारे टीचिंग एग्जाम्स में आएगा और आपको एक बार बेसिक इसका आना ही चाहिए, तो वो आपको सबसे बेस्ट आप सीख सकते हो लेट्स लर्न चैनल पे। वो प्लेलिस्ट बनी हुई सारी, और आप उसमें एक बार देख लो और वो वीडियोस आप काम करते हुए भी देखोगे तो एक तरह से दिमाग में फिट हो जाएगी और ऐसा कुछ रटने जैसा कुछ भी नहीं है। अब लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू, तो इसमें भी वही रहेगा सेम कि लैंग्वेज वन जो है आपको हिंदी लेनी है वो आपके लिए ईजी रहेगा, जो लैंग्वेज सेकेंड है वो आप इंग्लिश ले लीजिए तो स्कोर कर सकेंगे अच्छा है। क्योंकि उसमें आप क्या होता है कि जो अगर लैंग्वेज वन आप अगर इंग्लिश ले लेते हो तो उसमें पोइट्रीज आती हैं, और पोइट्रीज आप कितने भी अच्छे हो इंग्लिश में तो वहाँ आप अटक जाते हो कि आंसर देने में प्रॉब्लम करता है, जो पोइट्रीज है वो लैंग्वेज वन में चला जाएगा, यानी हिंदी में पोइट्रीज आएगी और इंग्लिश में आपके पैसेजेस आएंगे, तो वो इजी रहता है क्योंकि अपन ने 11-12 उस टाइम पे भी ये प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। फिर आता है थर्ड पार्ट। अब देखो फर्स्ट सीडीपी हो गया, उसके बाद लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू हो गया, तो ये आपके हो गए टोटल 90 मार्क्स। अब रहे 60 मार्क्स 150 में से, वो आपका सेक्शन टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो जनरल साइंस और बायोलॉजी है, क्वेश्चंस आए थे मैथ के और साइंस के, तो 30 मैथ के थे 30 साइंस के थे। उसमें भी मैथ के जो थे 15 कॉन्टेंट 15 पैडागोजी, साइंस के भी 15 कंटेंट 15 पैडागोजी। तो मैंने मैथ और साइंस के लिए ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, पर सिर्फ उसकी पैडागोजी को थोड़ा बहुत देख लिया था, तो वो मेरा थोड़ा सा स्कोर कम है, पर इट्स ओके। अब एनसीईआरटी धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, और अगर आपके पास टाइम है तो अपना जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी आप
सिक्स से लेके एट तक की पक्की पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी आप टीचिंग एग्जाम देना चाहोगे उसमें वो ही कंटेंट आएगा, उसके बाहर से तो आएगा ही नहीं। जैसे कि जो साइंस के थे वो सब कुछ सिक्स से एट की बुक से ही क्वेश्चंस थे। इस तरह से आपका ये पूरा पेपर क्लियर हो सकता है। अब आते हैं मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर पर, तो वो मैंने कुछ ऑनलाइन ही किए थे। जैसे कि जो लेट्स लर्न पर क्या होता था कि 9 बजे लाइव सेशन चलते थे क्वेश्चंस के, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो क्वेश्चन में आने के बाद उसमें पोल आता था कि अब आपको जो सही लग रहा है उस पोल पे आप ए बी सी डी पे ऑप्शन पे क्लिक करो। तो उससे मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी सारे प्रिपेयर हो गए थे। सीटेट सीडीपी की जो बुक थी उसमें सारे सीडीपी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, 2011 से 2022 समथिंग इतने कुछ थे, वो मैंने सारे किए। इस मैग्रो हिल जो मैथ की बुक लाई थी मैं, पर मैंने इसको पढ़ा नहीं, सिर्फ इसके मॉक टेस्ट को मैंने प्रिपेयर किया था। लास्ट में इसके 2 मॉक टेस्ट पेपर है जिसके अंदर सारे सेक्शंस को 1 by 1 दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो मैंने जरूर इसमें सॉल्व किया था। अदरवाइज ये बुक एकदम नई है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। चलो हमारा तोशित भाई हमें डेयरी मिल्क खिला के गया है। ये तो हुआ मेरी प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रेटेजी, मैंने किस तरह से किया। और अगर आप मैं एडिशनली कुछ कहना चाहूँ तो 2 चीजों पे सबसे ज्यादा कमेंट कर लीजिए। एक तो सीडीपी पे, क्योंकि सारे टीचिंग एग्जाम्स में सीडीपी तो आता ही आता है। तो एक बार आप अगर आपका बेस बन गया तो उसमें आप एडिशनली और पढ़ते जाओगे, बार बार मल्टीपल रिविजन्स करोगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और सेकेंड, अपने सब्जेक्ट पर कमांड कीजिए। लाइक अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर कॉमर्स, ये टीचिंग सब्जेक्ट जिनके हैं वो सोशल साइंस को पढ़िए 6 से 8 तक की एनसीईआरटी को। और जो साइंस के हैं वो साइंस और मैथ्स दोनों को ही प्रिपेयर करना है 6 से 8 तक का कम्प्लीटली, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स आप आगे भी देंगे उन सभी में यही सेम कॉन्टेंट है। अब मुझे जो लगता है कि मेरी 2 मिस्टेक्स रही थी सीटेट एग्जाम देते वक्त, एक तो टाइम मैनेजमेंट में अच्छे से नहीं कर पाई थी पेपर फर्स्ट में। सेकंड में तो चलो मैंने स्पीड रखी थी, पर पेपर फर्स्ट जो मैंने दिया था सुबह के टाइम पे उसमें कुछ क्वेश्चंस मैथ के छूट गए थे। सेकंड मिस्टेक, मैंने अपने सब्जेक्ट के कॉन्टेंट को नहीं पढ़ा था, ना मैथ पढ़ा ना साइंस पढ़ा, और वही मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रह गया था। तो वहाँ मुझे लगा कि मुझे ये पढ़ लेना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया है कि अपनी एनसीईआरटी को 1 by 1 पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब एनसीईआरटी जो पढ़ो 6 You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my.